मैं तो हैरान और परेशान हूँ हमारे नए रेक्टर की वजह से। ये हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और मेरे भी अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो दोस्तों, मैं तैयार शहर हो गई थी, ठीक है। मैंने उठते साथ वीडियो वगैरह नहीं बनाई। जैसे ही मैं तैयार शहर हुई हूँ तो मैंने डैडी को कहा कि भाई मुझे आप आगे तक छोड़ें। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कोई गाड़ी शाड़ी में नहीं जाती, ठीक है। मैं रक्षे में जाती हूँ, तो आराम से जाती हूँ, आराम से मज़े से अपना रक्षा कराती हूँ, ठीक है। जब कहीं जाना हो रक्षा कराया और निकल के यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये अमीरों वाले चोचले हम लोगों से नहीं होते, ठीक है। हम लोग आराम से जाते हैं यूनिवर्सिटी, वो भी रक्षा कराया, अकेले बैठ गई हो। हमारे भाई सुबह उठते हुए देर लगाते हैं, तो और हमने कहा कि हम क्यों यार ये कैरी डब्बे शब्बे कराएं, ठीक है। और उसके बाद वैन उसमें जाएँ, फंस फुस के बैठ के, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी पहुँचे, और उनके ड्रामे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि आप अपना रक्षे में जाएँ, ठीक है, सुबह उठें, रक्षा कराएँ और आराम से यूनिवर्सिटी आ जाएँ। सो दोस्तों, सर सुहेल आ गए थे और इकबाल हॉल में हमारी क्लास हुई। हमारी फ्राइडे को क्लास होती थी, लेकिन अब होती है हमारी क्लास वेनसडे को, क्योंकि हम लोगों से पढ़ा तो जाता नहीं ऑनलाइन में, ठीक है। हम वैसे ही सोए होते हैं, तो बेहतर है हम ऑनलाइन कैंपस ही क्लास ले लें। लाइन की तो कर रही हूँ सर, ये देखिए एक स्लॉट की लगी हुई है, एक की लगा दें आप पहले चीज़ इंशाल्लाह छुट्टियाँ ना क्या करो ना उस्मान, उस्मान है हाँ, ये ये ऑनलाइन नहीं है, ये दोनों भी आप नहीं आए थे, ऑन कैंपस आप नहीं आए थे। अच्छा ऑन कैंपस नहीं है उसकी बात है, ऑनलाइन आपने लगा ये टेबल चले ठीक है ये फिर रहने मैं 5% का सीन होता है टीडी वाला, अगर ये नहीं होगा तो मतलब वो चीज सेम नहीं आती। सुन हम बता रहे हैं इसमें क्या कहते हैं हिंदी में, आप ये बताना चाहोगे? हेलो हेलो वो जा रहा म्यूजिक यही कहना चाहूँगी कि विद टेक्स्ट इज़ बेटर देन विदाउट टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका जो बैक है वो विदाउट टेक्स्ट में सही नहीं आता और विद टेक्स्ट इज़ बेटर, मतलब बेटर होता है, उसमें इक्वल आता है, ठीक हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड थैंक यू सो मच, होप यू ऑल गाइज लाइक माई प्रेजेंटेशन। अब यही कहना चाहूँगी, होप यू गाइज लाइक माई प्रेजेंटेशन, ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या है ये देखिए,
गजब बेइज्जती है। सो गाइस हमारी क्लास एंड होगी, आज जल्दी एंड होनी थी क्योंकि एक ही क्लास होनी थी जो कि हमारी जुम्मे को होती है, और अब वो जो क्लास है हमारी होती है वेनेसडे को। अब से हमारी वही वाली क्लास वेनेसडे को होगी, तो क्योंकि मंडे ट्यूसडे फिर वेनेसडे थर्सडे छुट्टी और फिर फ्राइडे को आना पड़ता है, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो सो बेहतर होगी कि क्लास हमारी वेनेसडे को होगी और यही अच्छा है। और अब मैं निकलने लगे हैं हम लोग, ठीक है क्लास तो मेरी हो चुकी भी है और बाहर बहुत शोर होगा। गाइस आज तो क्या बात है, नमल वालों ने एक और तरक्की कर दी है। सो गाइस ये आप देख सकते हैं नमल वालों ने एक और तरक्की की है, मैं तो हैरान और परेशान हूँ हमारे नए रेक्टर की वजह से। ये इतने साल हो गए थे चल नहीं रहा था, एक बेचारे को लकवा हुआ था और आज ये चल रहा है, और मुझे इतनी देख देख के खुशी हो रही है कि क्या से क्या होती जा रही है हमारी यूनिवर्सिटी, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। ये देख सकते हैं आप, इसको कितना प्यारा लग रहा है, ये पानी पूरा भरा हुआ है। नाना लाई की जगह हमारे पास और भी बहुत कुछ है यूनिवर्सिटी में, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड, और रात के टाइम तो, जब शाम के टाइम तो जब ये लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं तो ये तो और ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। यही चीज़ है, सिर्फ यही चीज़ है जो नमल यूनिवर्सिटी में मुझे पसंद है। बाय। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी सैलून, और यूनिवर्सिटी से फ्री हो के ठीक है क्लासेस वगैरह लेने के बाद मैंने कहा चलो सैलून आ जाओ क्योंकि बस बहुत रोज़ा लग रहा है। फाइनली दोस्तों रोज़े का टाइम खुल चुका था, उसके बाद हम लोगों ने की अफ्तारी, आराम से सुकून से बैठ के अफ्तारी की, और रात के टाइम हम लोग वापस चले गए। सो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि राधिका को ये फूल किसने दिया, तो भाई मुझे किसी ने ये फूल नहीं दिए, ठीक है मेरी सिस्टर के इन लॉज के घर को इवेंट था, तो उस इवेंट के लिए हम लोगों ने ये फ्लावर्स वगैरह जो थे परचेज़ किए थे और वहाँ से हम गए। सो गाइज़ उसके बाद वहाँ से फ्री होने के बाद हम घर आए थे, वहाँ पे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैं घर आई। उसके बाद मैंने कहा चलो अब सोते हैं, लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ़ की, छोटी लाइट मैंने ऑन की, और उम्मीद करती हूँ कि आज का सारा दिन का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा, या आप रूटीन देख सकते थे। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आज का सारे दिन का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो नई वीडियोस आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।